क्या चीज़ ऐसी थी जिसने आपको इंस्पायर किया एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए एक मेरा तरीका कार था की बात करने का

कोई बहुत ज्यादा तहजीब सिखाना भूल गए हैं क्या ये, एक है? ये मिजाज हमारे लीडर्स में भी है। तो जब बड़ों में पाया जाता है तो उनके फॉलोअ में क्यों नहीं पाया जाएगा जी तो ये बदलिहाजी बद तहजीबी गैर मुनासिब रवैया बिलो दी बेल्ट खेलना इस तहजीब को सिखाने की शदीद जरूरत पूरी कौम सियासत को को डिस्कस कर रही है 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 क्या उनकी साइंस की डिग्री दरअसल एक बंदा जो जो टॉक्सिक हो हो जाता है, जो हो जाता नेगेटिव तो उसके क्रिटिसिज्म बिल्कुल करना चाहिए वो तो खुद हज़रात मैं हूँ डॉक्टर नाइमा हसन और आज के स्पेशल पॉडकास्ट में आप सबको वेलकम करती हूँ आज के हमारे पॉडकास्ट में जो पर्सनैलिटी इन्वाइटेड हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं आप एक रिसर्चर हैं एक राइटर हैं एक टीचर हैं और सबसे बढ़कर इंसान दोस्त हैं मैं आप सबका तारुफ़ करवाना चाहूंगी जनाब कासिम अली शाह साहब से सर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत हमें वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि आप रिसर्चर भी हैं राइटर भी हैं टीचर भी हैं लेकिन क्या चीज़ ऐसी थी जिसने आपको इंस्पायर किया एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए डॉक्टर साहब मेरा जर्नी पढ़ाने से शुरू हुआ मैं इस सब्जेक्ट्स ही पढ़ाता था जो आम तौर पर टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं क्लास ख़त्म होने से पहले जो पाँच दस मिनट बच जाते हैं मैं किसी न किसी तरह कोई एथिक्स का मोरालिटी का सबक बच्चों को पढ़ाया करता था सिखाया करता था वक्त गुज़रने के साथ साथ वो आखिरी जो पाँच दस मिनट का आ, मेरा एक कह लीजिए एक मेरा तरीक़ाकार था खैर की बात करने का मेरा हवाला बन गया और इसको मैंने पॉलिश करना शुरू कर दिया आज से कोई चौदह पंद्रह साल पहले इनको रिकॉर्ड करना शुरू किया वो भी एक अचानक ही ऐसा हुआ मेरे पास तो कोई ऐसा ना स्टूडियो था ना सिस्टम था सोशल मीडिया पर मैंने यानी आ चुका था एक वेबसाइट थी इलम की दुनिया डॉट कॉम उस वक्त वो वेबसाइट एजुकेशनल न्यूज़ बताती थी आ, कोई गज़ट आया है कोई एडमिशन खुल गए और वो रिकॉर्ड किया करते थे तो कुछ लेक्चर्स मेरे इलम की दुनिया डॉट कॉम पर आए और एक टाइम आया वायरल होने शुरू हो गए और जब ये वायरल हुए तो फिर मैंने एक टीम बना ली इस सारे काम को ऑर्गेनाइज़ किया और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैलने लग पड़ी ये बॉर्डरलेस वायरल होगी मुझे खबर ही नहीं थी कि कंटेंट जो है वो इतना वायरल होगा और इतनी दुनिया तक पहुँच जाएगा लेकिन सर इसमें कोई ना कोई ऐसा ट्रिगरिंग इवेंट होता है कोई ऐसी बात होती है जो हमें इंस्पायर करती है स्पेसिफिकली इस काम को शुरू करने के लिए लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हम नॉर्मल सरकम में नहीं लेंगे डिफ़िकल्ट टफ टाइम्स में हमसे कुछ ऐसे डिसीजनस होते हैं जो हम ले देते हैं कोई ऐसा वाक्य या इंस्पिरेशन डॉक्टर साहब ऐसा वाक्य सच्ची बात है नहीं जी मैं खुद बड़ा हैरान हूँ ये सारी रिकॉर्डिंग्स हुई थी 2010 में और वायरल हुई 2015 अक्टूबर में जी और वायरल भी मेरे प्लेटफॉर्म से नहीं हुई इन 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 वीडियोस को मुख्तलिफ लोग मुख्तु जगह अपलोड करते थे किसी दोस्त ने इनको अपलोड किया और ये फैला शुरू हो गई मैंने जिस इनको ऑर्गेनाइज किया जिस काम को ऑर्गेनाइज किया और बाद में ग़ौर किया तो ये कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट था इस कंटेंट में आ, एक जो हमारा दीन का विजडम है वो भी था इसमें नफ्सात के साइकोलॉजी के पॉजिटिव साइकोलॉजी के, के भी छोटे छोटे नुक्ते थे और सबसे बढ़ के एक अमल पे दर्ज था तो ये एक ऐसा कम्बिनीशन बना क्लासिकल और मॉडर्न का कि ये सारा कॉन्टेंट जो है वो फैलने लग पड़ा स्पीकिंग ऑफ साइकोलॉजी आपकी करियर डेवलपमेंट में ग्रोथ में माइंडसेट का और एटीट्यूड का क्या रोल होता है आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा रोल होता है जी ये जितने ग्रो करने वाले मैं ये वाजह करता जाऊँ क्योंकि लकीली मेरी होस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं आप एक बड़ा नाम है साइकोलॉजी में आपका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी पी साइकोलॉजी में है मे मेरी कोई डिग्री साइकोलॉजी की नहीं है जी मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा है मेरी तो इस तरह की चीज़ें जो हैं रूटीन की मैंने सारी पढ़ी हैं लेकिन साइकोलॉजी के साथ मेरी मोहब्बत बढ़ी है जी यानी इसको इस सब्जेक्ट को या साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी की बेशुमार किताबें ऐसी किताबें जो प्रैक्टिकल हैं थोड़ी सी जो बताती हैं कि करना क्या है आप इनको पॉजिटिव साइकोलॉजी की बुक्स कह लें आप इनको सेल्फ हेल्प की बुक्स कह लें ऐसी बेशुमार किताबें मैंने पढ़ी भी मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है तो जो मैंने समझा उसमें एक माइंड सेट का रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है उस पैराडाइम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस माइंड सेट से आप कोई काम करते हैं मेरा ख्याल है कि इंसान सारे के सारे एक जैसे होते हैं ये फ़र्क सिर्फ माइंड का ही होता है बाकी बॉडी दो हाथ दो कान दो आंखें नाक दो टांगे सब की हैं फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ ये दो कानों के दरम्यान में जो हमारी खोपड़ी में एक दिमाग पड़ा है उसका जो फंक्शन है जिसको माइंड कहते हैं जिसमें सोच आती है जिसमें अकायद आते हैं जिसमें नजरियात आते हैं जिसमें आदतें है, आती हैं जिसमें हमारा जो नॉलेज है जिसमें हम जो नर्चरिंग होती रही हमारी वो सारे बिलीव जो हमारे बने हैं वो सब चीज़ों के कम्बीशन से एक जो स्टेट ऑफ माइंड बनी होती है उसी से सारे काम हो रहे होते हैं और उसके बग़ैर कामयाबी मुमकिन नहीं बिल्कुल सही आ, अभी आपने आप फरमाया कि बहुत सारी किताबें भी आपकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं मैं चाहती हूँ कि हमारी वर्चुअल फैमिली के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए फॉर अबाउट टू स्टार्ट देर करियर कोई ऐसी तीन आपकी फेवरेट बुक्स जो उनको आप रिकमेंड करना चाहें देखिए मैं वो तीनों किताबें वो बता देता हूँ जो आसानी से अवेलेबल हैं और तीनों किताबें ही फेमस किताबें पहली किताब जिस जिसने मुझे बड़ा मुतासर किया वो थिंक एंड ग्रो रिच है ये निपोलियन हिल की किताब है नाइनटीन थर्टी एट में किताब आई थी अब तक इस किताब की करोड़ों कापियाँ दुनिया में जा चुकी हैं कई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है उर्दू में दो बार तर्जुमा हो चुका है और निपोलियन हिल फाउंडेशन ने बाद में बड़ा काम किया जी दुनिया में निपोलियन हिल की रिसर्च को कॉन्टेंट को वायरल करने में उसकी फाउंडेशन का बड़ा रोल है ये पहली किताब थी जिससे मैं सक्सेस के हवाले से खुशहाली और कामयाबी के हवाले से बड़ी किताबें पढ़ी लेकिन ये किताब इस आप कह सकते हैं आपने भी अपना जो ये लाइफ लॉन्ग जर्नी था मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही थी लकीली मुझे इस किताब से तो इतना कह लीजिए एक मोहब्बत और इसके साथ मेरी वाबस्तगी थी कि मैंने वो पहला एडिशन भी ढूंढा मुझे ओल्ड बुक बुक्स की जो दुकानें हैं वहाँ से पहली किताब भी मिल गई जो उन्नीस सौ अठतीस में प्रिंट हुई थी दूसरी किताब जिसने मुझे बड़ा मुतासर किया वो सेवन हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल है स्टीफन आर हुए की किताब है मैंने इसकी और भी किताबें पढ़ी एटथ हैबिट और बाकी सब कह लीजिए इसके जो फैमिली ने बच्चों ने किताबें लिखी वो भी पढ़ी लेकिन सेवन हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल ऐसी किताब है जिसका कोई बदल नहीं रही उस कमाल किताब थर्ड बुक है स्टार्ट विद वाई ये सैमन सिनिक की किताब है एक मॉडर्न स्कॉलर है और ये बताता है कि काम को करने की जो दलील होती है वो बड़ी अहम होती है काम को करने की वजह वो बड़ी अहम होती है तो ये तीन किताबें क्योंकि आपने कही और भी बड़ी किताबें हैं लेकिन तीन किताबें ऐसी हैं जिनको मैं कहता हूं कि जरूर किताबेंसी है उन लोगों को पढ़नी चाहिए करियर स्टार्ट करना और यूथ के लिए भी अच्छा सर इसी हवाले से एक और आपसे बात आपका व्यू लेना चाहूँगी अभी आप देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा यूथ का है और बच्चे स्किल पे आजकल ज्यादा फोकस करते हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट हो हमारी रन के हम अपनी डिग्री कंप्लीट करें तो आपने अभी शेयर किया कि आपने कुछ बुक्स हैं जिनको अपना रहनुमा बनाया और उनसे बहुत कुछ सीखा और ये अचीव किया तो क्या पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किल के साथ साथ या सिर्फ़ इन किताबों को पढ़ के या लाइफ लॉन्ग लेसन जो हैं आपके उनके थ्रू आप तरक्की कर सकते हैं डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तु जगह से मिलती हैं जो आगे बढ़ना है प्रोग्रेस है तरक्की है कामयाबी वो सिर्फ किसी एक चीज़ की मोहताज नहीं थ्रेटिकल चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं उसके लिए और प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी है बिलखसूस ऐसा नॉलेज ऐसा कंटेंट जिससे आप इनिशिएटिव ले सकते अगर आप आगाज ही नहीं करते तो फिर आप के लिए कहीं पहुंचना बड़ा मुश्किल है ये सारे का सारा जो दुनिया में इस वक्त एक डिबेट एक्टिव हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये डिबेट बढ़ जाएगी ये मेरी प्रोडिक्शन है कह लीजिए क्योंकि एक सोसाइटी और बिलखसूस एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम के नब्स पे हाथ रखते हुए अगर मैं कहूँ तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ी डिबेट ये है कि डिग्री वर्सेस स्किल्स पढ़ exactly. जाएगी और इस पर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग सवाल करने लग पड़े कि एक जो यूनिवर्सिटी है उसकी तीस चालीस लाख रुपया खर्चने के बाद एक डिग्री मिलती है बी प्रोग्राम की और उसके बाद भी बच्चे को कुछ नहीं आता जाता और अब बच्चे बात करने लग पड़ते हैं कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है रेलिवेंट ही नहीं है ये हमने रट्टा लगाया है ये सारी किताबी बातें हैं ये ज़िंदगी में काम कहाँ आई इससे ना तो जॉब मिल रही है ना रोज़गार मिल रहा फिर एक बहुत बड़ी तादाद लाखों करोड़ों जो तादाद है बच्चों की स्टूडेंट्स की जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ लेके पास आउट होते हैं और वो कहीं फिर पहुंच नहीं पाते तो एक दुनिया में बहुत बड़ी ये डिबेट एक्टिव हो चुकी है और फिर एक इसका सोल्यूशन ये मिल रहा है ये दुनिया में बात की जा रही है कि स्किल्ड लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जिनको हुनर आता है वो फ्री है वो ई कामर्स है वो कोई भी काम आता है आप अपनी फील्ड को देख लीजिए कि कितनी दुनिया एम साइकोलॉजी या एम एस साइकोलॉजी करके पास आउट होती है लेकिन उन्हें काउंसलिंग करनी नहीं आती उनको उनके पास बेसिक टूल्स नहीं होते आ, किसी को हील करने के और कोई सोल्यूशन देने के वजह यह है कि जो उन्होंने पढ़ा होता है सेगमेंट फाइड को या कॉलेजों को वो थ्रेटिकली पढ़ा होता है यौन को पढ़ा जाता है आप हैरान होंगे ये सुन के सुनने वाले कि उसको थ्रेटिकली पढ़ लिया जाता है उसकी जो एम है वो किसी का हैंड ऑन एक्सपीरियंस ही नहीं होता हम पिछले तीन साल से इस फाउंडेशन में कैंप लगाते हैं एम का और एम पे हमने सात किताबें इकट्ठी जो है ना जी वो उनको तरतीब देकर महफूज करके उसके लिटरेचर से प्रिंट किया जो एक ही वक्त में पाकिस्तान इंडिया दोनों जगह से प्रिंट हुई और हर साल हम कैंप लगाते हैं सैकड़ों बच्चे जो उससे फ़ायदा उठाते हैं लेकिन जब हम साइकोलॉजी वालों को देखते हैं तो उन्होंने कॉल जंग को सिर्फ उन्हें सतह ही पढ़ा होता है उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता मेरे पास अपनी टीम में तीन लोग मौजूद हैं जो ट्रेंड हैं जो कह लीजिए कि चंद सवालों से टाइप बता देते हैं पर्सनैलिटी टाइप पर्सनैलिटी टाइप सोलह है हमने उस पर लिटरेचर सारा प्रिंट कर दिया हुआ है कार्ड्स की शक्ल में बुकलेट्स की शक्ल में इंग्लिश में उर्दू में कि कोई भी जो शख्स है वो अपनी टाइप को जान के उसको पॉलिश करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ अपने ग्रे एरियाज़ अपनी ब्लाइंड एरियाज उस पर काम कर सकता है तो ये जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो स्किल है इसका कोई निमुल बदल नहीं है और आने वाले दिनों में मेरा ये ख्याल है कि यूनिवर्सिटियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जिस तरह आपकी बेसिक एजुकेशन आप देखिए उसमें ये डिबेट एक्टिव हो चुकी है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई जा रही है मेरी साहबजादी जो बेटी है वो फिफ्थ क्लास में पढ़ती है मैं उसकी एक्टिविटीज़ और असाइनमेंट्स देखता हूँ वो एम फिल साइकॉजी वाला भी वही कर रहा है वो मैं मैंटल हेल्थ के चार्ट्स बना के प्रेजेंट कर रहा है वो पाँचवीं क्लास का बच्चा भी उसको भी लैपटॉप जो इस्तेमाल करना आता है वो प्रोफेशनल जितना आता है तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है और ये बहुत बड़ी चेंज है जो वक्त के साथ साथ आ रही है और इसमें मेरा ख्याल है कि स्किल्स प्रैक्टिकल नॉलेज वो जीतेगा स्किल राइट right. अच्छा सर आपका जो काम है डैट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड ग्रोथ माइंड सेट साइकोजी का भी आपने बताया आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था कोई डिग्री नहीं थी लेकिन साइकोलॉजी की फील्ड में ह्यूमन बिहेवियर और ग्रोथ के हवाले से आपने बहुत लिखा भी पढ़ा भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम आपको सुनते भी हैं इसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली या ये आइडिया कहाँ से आया ये बड़ा बहुत ही अच्छा सवाल है देखिए इसमें एक तो वाजह करता चाहूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी में कम्युनिकेशन गैप है फाउंडेशन हर खैर के काम को प्रमोट करती है यहाँ पर किताबों की तकरीबें रुनमाई होती रहती हैं तो यहाँ पे जितने को खैर का, का काम करने वाले एज गेस्ट स्पीकर आते रहते हैं यहाँ पैनल डिस्कशन होती रहती हैं एज़ एक फॉरम के तौर पर हमारा फॉरम जो है वो लिखने बोलने पढ़ने में बहुत सा काम करता है मेरे अपने लेक्चर्स यहाँ पे अगर गेस्ट स्पीकर्स आते हैं उनका कंटेंट उसको हम रिटर्न में भी कन्वर्ट कर देते हैं अखबार में छप जाता है साथ ही साथ में सोशल मीडिया पे भी चला जाता है वीडियोस जो हैं वो पब्लिक कर दी जाती हैं हमारे जितने चैनल्स हैं इस वक्त कह लीजिए कि कई चैनल्स हैं जो कुछ लोगों को पता है कि हमारे वो चैनल्स हैं कईयों को नहीं भी पता किताबों की प्रेसिस के चैनल हैं दो चैनल्स ऐसे हैं जो किताबों की प्रेसिस हैं और उसमें सैकड़ों किताबों की प्रेसिस वो ऑडियो एंड एन, एनिमेशन के साथ मौजूद है इन्फोटिवेशन के नाम से किताब सुनो के नाम से के वे सिर्फ हेल्थ चैनल है हमारा बहुत ज़्यादा देखा जाता है पाकिस्तान के जो टॉप फाइव हेल्थ चैनल हैं उसमें उसका शुमार होता है कासिम अली शाह फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है जिसपे गाहे ब हम काबिल लोग आते हैं उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं यहाँ जितनी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको प्रोड्यूस करके हम अपलोड करते बुनियादी मकसद मैं आपको बता दूँ फाउंडेशन का सोसाइटी के इंटेलिजेंसिया को एक्टिव रखना है एक। ये इंटेलिजेंसियाँ लिखने वाला बोलने वाला सोचने वाला समझने वाला खैर का काम करने वाले वो सारे लोग उनके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है ये खुद शनासी विंग है खुद को जानने का विंग है इसको डॉक्टर कमर हसन साहब देखते हैं वो एम के एक्सपर्ट हैं मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा और एम का जितना काम आपको यूट्यूब पे उर्दू में मिलेगा वो फाउंडेशन का मिलेगा एन पे सबसे ज़्यादा काम उर्दू में डॉक्टर रफीक डार ने किया इधर की वीडियोस हैं सारी की सारी इसी फाउंडेशन की वीडियोस हैं हैंपनोथ्रापी ब्रीफ हेपनोथरापी पे मेरे उस्ताद अरशद जावेद साहब की बेशुमार नशस्तें वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगी साइकोलॉजी के कितने फॉर्म्स हैं जी वो स्ट्रेस पे वो आज के जो क्राइसिस हैं जो इकोनॉमिक मेल डाउन है उसके हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हमने रिकॉर्ड करके रखा फिर मेरे कई उस्ताद हैं जी जिनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा सबसे पहला नाम तो साइकोलॉजी में अरशद जावेद साहब का ही आ जाता है मैं जबानबिल में खुद नया नया मैंने अभी ढूंढना शुरू किया कि मैंने करना क्या है पहुँचना कहाँ है अरशद साहब मुझे मिल गए उनकी बड़ी मेहरबानी उनकी पहली किताब जो है सक्सेस पे खुशहाली और कामयाबी उसमें उन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ है जी मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है और ब्रैकेट में बेटा भी लिखा हुआ है कि ये मेरे लिए रूहानी बेटे की तरह आ, बाद में बेशुमार उस्ताद ऐसे मिले जी जिनसे मैंने साइकोलॉजी की डॉक्टर मोद राना से मैंने बड़ा कुछ सीखा उनकी कई नशस्तें ऐसी हैं जो लाखों में देखी गई यहाँ पर रिकॉर्ड हुई तो इस तरह फिर आपकी मेरी ब... मुश्तरक है एक मैं उनको उसताद भी कहूँगा मेरी तो बड़ी बहन भी हैं डॉक्टर अमना मोहजम उनसे मैंने बड़ा सीखा जी मैं हमेशा उनका ममनून रहता हूँ शुक्रगुजार रहता हूँ कि वो सरप्रस्ती करती हैं खैर के कामों की और हमारे जितने साइकोलॉजी के काम हैं उसमें वो अपनी इनपुट देती हैं हमें गाइड भी करती हैं फाउंडेशन को कि फाउंडेशन को क्या करना चाहिए तो ये एक कह लीजिए एक एक तवील सफ़र है चलते चलते यहाँ तक पहुँचा सर अ, मेरा जैसे सवाल था कि साइकोलॉजी का आपका बैकग्राउंड नहीं आपकी कोई डिग्री नहीं है और आपने ह्यूमन बिहेवियर पे एटीट्यूड पे बहुत काम किया तो क्रिटिसिज्म मिलता है इस बारे में जी बड़ा नेचुरल है असल में होता क्या है मैं आपको बताऊं क्रिटिसिज्म साइन होता है कि आपकी चीज़ें आपका कॉन्टेंट देखा जा रहा है और जिन्होंने डिग्री ली है पी की उनका क्यों नहीं देखा जा रहा सवाल ये दूसरी बात है कि खैर की बात तो कोई भी पढ़ सकता है आप अभी फ़र्ज़ कीजिए कि आप पूरी मुल्क जो है वो पूरी कौम सियासत को डिस्कस कर रही है तो क्या उनकी पोल साइंस की डिग्री है हे हे कुछ लाजिम तो नहीं है हे हे मतलब कि आप डिग्री लें हाँ उसके लिए अगर आपने कोई क्लिनिक करना है तो आपको उसके लिए सारे जो उसके एथिकली मॉरली देखना चाहिए अब मेरे पास फर्ज करें कोई गाइडेंस के लिए आता है तो वो आता है अपने को प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए तो वो आ सकता है मेरे एक्सपोजर की वजह से मेरे नाम की वजह से मेरे से मशवरा करने आ सकता है लेकिन देखें कोई अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है कोई बायोपोलर है कोई डिसऑर्डर है तो मैं तो खुद रिकमेंड करता हूँ कि, कि किसी सेकेट्रिस्ट के पास किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए तो ये बड़ा नॉर्मल नेचुरल है और ये मैं समझता तो हूँ हेल्दी है इसको मैंने कभी भी वो दिल पे नहीं लिया इवन मैंने कहीं ऐसे गेस्ट स्पीकर्स बुलाए तो मुख्तफ फॉरम पे उन्होंने बताया कि देखिए जी हमने जैसे पोस्ट किया तो क्रिटिसिज्म आया तो वो खुद भी आंसरे होते हैं कि यार ये देखिए खुद कुछ नहीं कर पा रहे बाज लोग साइकोलॉजी में पीएचडी करने के बावजूद टॉक्सिक हैं बाज़ लोग पीएचडी में साइकोलॉजी कर उनकी यानी डिग्री साइकोलॉजी की है लेकिन वो यकीन करें अपने जो जूनियर्स हैं जो अपने सोआर्डिनेट्स हैं उनके साथ इतने टफ हैं उनको तो खुद हेल्प की जरूरत है तो उनको इलाज करवाने की जरूरत है दरअसल एक बंदा जो टॉक्सिक हो जाता है जो नेगेटिव हो जाता है उसको हेल्प की जरूरत होती है तो उसके क्रिटिसिज्म को बिल्कुल माइंड नहीं करना चाहिए वो तो खुद बेचारा डिस्टर्ब है उसकी बात को क्यों माइंड करना लूँ हम कह सकते हैं यानी जो क्रिटिसिज्म आपको मिलता है आपके सफर में ये आपका सॉर्ट sort ऑफ of रहनुमा भी होता है आपको आग को को है आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देता है। ये सबको मिलता है होता क्या है कि जो थोड़ा सा नुमाया है थोड़ा सा फेमस है उसका दिख जाता है हम अपनी जिंदगी में नहीं फेस कर रहे होते क्या एक बहू सास का क्रिटिसिज्म फेस नहीं कर रही होती क्या एक जॉब करने वाली किसी यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर एक लेक्चरार वो कई तरह की पोलिटिकल चीज़ें नहीं फेस कर रही होती दफ्तरी पॉलिटिक्स को क्या हम लोग दफ्तरों में फ़ेस नहीं कर रहे होते तो ये काम का हिस्सा है इसको नज़रअंदाज करके इग्नोर करके और अपने काम को फोकस करना चाहिए फोकस की बात करें तो आजकल आप देखते हैं कि यूथ में जो एक ट्रेंड है आ, बहुत सेल्फ स्पोकन हैं बहुत आउट स्पोकन है अपने लिए बात स्टूडेंट्स कर सकते हैं बच्चे अपने लिए बात कर सकते हैं आपको ऐसा लगता है सर कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोशल मीडिया की एक्सेस होना एक्सपोजर होने से हम एक ऐसी नई नस्ल को परवान चढ़ा रहे हैं जिनमें कहीं थोड़ी सी तहजीब की कमी है के नाम पे हम उनको तहजीब सिखाना भूल गए हैं क्या ये एक ड्रॉबैक है हंड्रेड परसेंट ऐसे उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि डॉक्टर साहब हर बंदा लाशोरी तौर पे ना किसी को फॉलो कर रहा होता तो हमारी हमारी बदकिस्मती ये है कि ये मिजाज हमारे लीडर्स में भी है हमारे मुल्क के बड़ों में भी है तो जब बड़ों में पाया जाता है तो उनके फॉलोअर में क्यों नहीं पाया जाएगा जी तो ये बदलिहाजी बद तहजीबी और कह लीजिए कि गैर मुनासिब रवैया बिलो द बेल्ट खेलना बड़ों बड़ों में पाया जाता है फॉलोअर में भी पाया जाता है इस तहजीब को सिखाने की शदी जरूरत है इसका एक बड़ा टूल तो एजुकेशन सिस्टम ही है लेकिन एजुकेशन सिस्टम वक्त के साथ साथ खुद बड़े बड़े चैलेंजेस का शिकार है लाइक like, आप देखिए चंद दिन पहले रिपोर्ट आई है पता लगा जी पाकिस्तान में दो करोड़ साठ लाख बच्चा स्कूल नहीं गया स्कूल से बाहर, बाहर, बाहर है। फिर एक रिपोर्ट का हिस्सा ये भी है ये मुझे एक बड़े ही मुस्तनद बंदे ने बताया जिन्होंने रिसर्च की जहाँ से पब्लिश हुई है सारी रिसर्च फेडरल की तरफ से उन्होंने बताया कि हमने फोर्थ क्लास के बच्चों के मैथ के टेस्ट लिए तो हमें पता लगा कि उनका जो मैथ का एवरेज है वो तकरीबन फोर्टी परसेंट है उनके टीचरों के टेस्ट लिए गए यानी पढ़ाने वालों के टे, वो भी फोर्टी टू परसेंट ही थे उनकी भी हालत वैसी थी तो मुझे बताइए जब पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों की हालत ऐसी होगी उनका तो ग्रेड कोई नाइन्टी परसेंट होना चाहिए था चले सिखाने सीखने वाले फोर्टी पे होते तो वो हम कहते हैं कि जी उनके लिए कोई टारगेट है एटी परसेंट पहुँचने का लेकिन सिखाने वालों की भी हालत वैसी है तो इस किस्म के बड़े बड़े चैलेंज एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक नहीं है फिर बड़ा तेजी के साथ आप देखिए प्राइवेट सेक्टर ने जगह बनाई वो प्योर कमर्शल है उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है वो एक बिजनेस की शक्ल में कह लीजिए अपनी जगह बना ली उन्होंने और गवर्नमेंट ने उस उतनी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई जो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं वहाँ क्वालिटी का बड़ा चैलेंज है आप मैं लाहौर में बैठे हुए हैं तो हम तो बहुत खुशकस्मत हैं हमें तो फिर भी कह लीजिए कोई ना कोई बादल का टुकड़ा छाओ के लिए मिल जाता है लेकिन आप जरा दूर पार की यूनिवर्सिटियों के हाल देख लीजिए शर्म से सर झुक जाता है यकीन करें जब पता लगता है कि वहाँ हालात के आप रिसर्च का हाल देख लीजिए पाकिस्तान में पिछले साल स्टार्टअप ने ये पब्लिक की बात कि पाकिस्तान में चार हज़ार पी एच डीज़ बेरोज़गार हैं यानी वो पी एच डीज़ अपना रास्ता खुद बनाने के काबिल नहीं है अब ये ताज़ा एक चीज़ पता लगी है कि जो रिसर्च है हमारी दुनिया में नंबर वन पे जो फेक रिसर्च है और सारी कह लीजिए वो एक कापी पेस्ट वाला काम जो है वो सोदिया नंबर वन है नंबर टू पे पाकिस्तान है तो जिस मुल्क में रक्षों के पीछे लिखा होता है कि बनी बनाई कापी हमसे लें रिसर्च हमसे करवाएं प्रैक्टिकल कापियाँ हमसे लें वहाँ पर रिसर्च का आलम क्या होगा तो ये एक बड़ा चैलेंज है जी बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी इसी के साथ साथ जो हमारा पढ़ाने वाला तबका है उसकी ट्रेनिंग कोई नहीं है जी मैं पिछले कई सालों से मैं सात साल जाता रहा के ओ आई डी डी एस टी पढ़ाने के लिए और कई सालों से मैं पी एच सी सी के साथ मेरा एक बड़ा गहरा ताल्लुक है कहे पकाहे एज गेस्ट स्पीकर भी जाता रहा हूँ हमारी फाउंडेशन का कुछ एम ओ यूज़ भी रहे पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के साथ बड़े दुख के साथ कहूँगा कि ट्रेनिंग का कोई प्रॉपर निज़ाम मौजूद नहीं है और जो ट्रेनिंग के चीज़ें मौजूद भी हैं वो भी ये खाना पूरी हैं वो प्रॉपर इदारा इम्पावर नहीं हुआ हो इतना बड़ा इदारा है पी वो इम्पावर ही नहीं है आज तक वो कह लीजिए कि हायर एजुकेशन फेडरल और पंजाब ये इनका एक कॉन्फ्लिक्ट आज तक नहीं हल हो सका और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टीचर जो हमारे हैं वो शदीद उससे अफेक्टिव हुए हैं प्रॉपर निज़ाम नहीं मौजूद कि ट्रेनिंग के बाद तरक्की होनी चाहिए कितनी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि उनको अब नेक्स्ट ग्रेड पे कर देना चाहिए और वो जो सिस्टम मौजूद है कि जी इतनी पब्लिकेशन कर लें तो आप वी होने के अहल हैं इतनी पब्लिकेशन कर लें प्रोफेसर बनने के अहल आपको ऐसे बेशुमार यंग लोग मिलेंगे जो बेचारे प्रोफेसर बन गए उनको आता जाता कुछ भी नहीं है उनका रवैया प्रोफेसरों वाला नहीं है प्रोफेसर का वर्ड आज से पच्चीस तीस साल पहले आप तो बहुत छोटी होंगी मेरा वो कह लीजिए ज़माना है का ज़माना है

Uh, अपना नॉलेज हम बड़ों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए या उनकी रहनुमाई के लिए या पेरेंटिंग के लिए किसी भी पहलू को देख लें तो इसमें आप कोई पिन पॉइंट अपने इनसाइट्स बताएंगी कि हमें क्या लर्न करना चाहिए क्या अनलर्न करना चाहिए और क्या एस्पेक्ट्स हैं जो हमें लर्न करने चाहिए अच्छा देखिए इनको ना सिचुएशंस में जा समझा जा सकता है जनरली कोई लिस्ट बनाना तो बड़ा मुश्किल है मसलन uh, कोई ऐसे तीन अगर आपके अब तक के सफर में आप कोई दो या तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप जनरली सबको बताना चाहें कि ये आप अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए और इसके आपको बहुत मैजिकल इफेक्ट्स मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा था जनरल ही हैं जी मसलन नंबर वन जो चीज़ आ जाती है वो अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाए uh, yeah. अब दोस्त उस तरह का दोस्त नहीं होता जिस तरह के हमारे असल में दोस्त होते हैं ये एक फ्रेंडली बिहेवियर है जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन आपके बच्चों से बड़ी अच्छी होती है आप हम पुराने वाले हमसे पहले वाले समझते थे कि नसीहत और सुनाने का नाम ही शायद रिलेशन है मेरा ये ख्याल है कि सुनना बड़ा इम्पॉटेंट है समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ ये समझना इनकी सिचुएशंस क्या हैं इनके साथ बीत क्या रही है इनके चैलेंज क्या हैं इनके आज ये फेस क्या कर रहे हैं इनकी दोस्तियाँ है किस तरह की हैं इन, इन इनकी पसंद क्या है इनकी नापसंद क्या है इनको समझना इस तरह समझना कि ये हमसे बाद के वक्त में आए हैं और इनके जो चैलेंज हैं वो हमसे बड़े हैं पहली चीज आ जाती है दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर साहब वो ये है कि इनके दोस्तों के भी दोस्त बने आप ये जो हमने कथा ताल्लुकी कर दी आप इसके बगैर नहीं इनको लेकर चल सकते आप जाने ये किन में उठते हैं किन में बैठते हैं और ये इनमें क्यों उठते बैठते हैं इनकी किस तरह की दोस्ती हैं ये अपना टाइम किन लोगों के साथ गुजारते हैं आपको ये जानना चाहिए होता क्या जब आप ये जानना शुरू करते हैं तो आपका बच्चा बड़ा कुछ ऐसा है जो आपके कहे बगैर सीखना शुरू कर देता है इंसान अपनी पसंद नापसंद दोनों से जाना जाता है तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि वालदेन को करनी चाहिए वो अपना रिलेशन अच्छा रखना चाहिए जितना ज़्यादा मियाँ बीवी का रिलेशन अच्छा होगा उतना ज़्यादा घर का माहौल अच्छा होगा और वो एक इकोसिस्टम बिल्ट होगा जिससे तरबियत होती है तरबियत सिर्फ नसीहत से नहीं होती तरबियत से ज्यादा बच्चे जो देखते हैं उसको हंड्रेड परसेंट मैं कहता हूँ वो माहौल एक असर एक यकीन का एक अखलाक एक एक, एक हमदर्दी का एक एमपति का जो माहौल बनता है उसके बगैर आप आज के बच्चों को नहीं चला सकते और बड़ा एक अच्छा मशवरा ना किसी अलमदीन ने दिया उसने कहा कितने आप मोबाइल फ़ोन की सर्च चेक करेंगे कितने छापे मारेंगे कितना आप अचानक रजाइँ उठा के देखेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं कितनी बार आप पासवर्ड चेंज करके देखेंगे बेहतर ईमान दे दीजिए कि अल्लाह देख रहा है जब आप ईमान दे देते हैं और तवक्ल दे देते हैं तो फिर बच्चा आपका जो है वो खुद ही महफूज रहता है सर सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर्स और ह्यूमन माइंड हेल्थ मेंटल हेल्थ को टेक्नोलॉजी ने आपके ख्याल में किस तरह से इफेक्ट किया है पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों इसने हिट किया नेगेटिवली ज़्यादा पॉजिटिव ये है कि इससे कम्युनिकेशन आसान हो गई है स्पीड तेज़ हो गई है मुमकिन होना का वर्ड जो है वो अब आसान हो गया कोई भी चीज़ आपको चाहिए डाटा चाहिए सॉफ्ट कॉपी चाहिए प्रिंट आउट निकालना है आप ई e लाइब्रेरीज़ बनाने लग पड़े हैं मोबाइल फ़ोन में लैपटॉप में टैब्स में आपका डाटा सारे का सारा पड़ा होता है लेकिन चैलेंज ये है कि इससे अटेंशन स्पैन बड़ा फराम हुआ है लोगों का जहनी सकून बड़ा फराम माइंड फुलनेस ख़त्म हो गई है अब जो एक मैन टू मैन रिलेशन है एक इंसान का इंसान के साथ ताल्लुक़ जो पढ़ाई ज़रूरी है जो इंसान की जहनी सेहत के लिए समाजी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है वो बड़ा हिट हुआ और इसमें अमेरिका जैसे मुल्क में भी वो कह लीजिए कि एक इसका इससे दूर रहना बकायदा सिखाया जाता है अब लोग जो हैं वो सेल फोन को बकायदा पार कर देते हैं कितने कितने घंटे छोड़ देते हैं कि हमने नहीं देखना जब से दुनिया को ये पता लगना शुरू हुआ है कि हफ्ते बाद अब ये पता लग जाता है कि आपका एवरेज टाइम क्या है आपने कितना सेल फोन इस्तेमाल किया और कितना किस गैजेट पे आपने इस्तेमाल किया किस चीज़ को कितना इस्तेमाल किया फेसबुक को कितना किया बाकी टेक्नोलॉजी को अब आप, आप, आप मोनिटर कर लेते हैं तो आपको पता लगता है कितना वक्त जाया जाता है आपका अब इतनी ऑप्शन है इतनी ऑप्शन है कि ये नई बात दुनिया को पता लगी कि जब इतनी ऑप्शन होती हैं तो फिर खुशी जो है वो गवा जाती है वो गुम हो जाती है तो जब आपके पास ऑप्शन नहीं होती तो महदूद चीज़ों से आपकी खुशी जो है वो ज़्यादा होती है रहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इतना एक्सपोजर टू नॉलेज और सोशल मीडिया इसने क्या कन्फ्यूज जनरेशन को भी प्रॉम्प्ट किया है या नहीं डॉक्टर साहब हर वो चीज़ जो अटेंशन स्पैन के कम होने से मसाइल पैदा हो सकते हैं वो हो चुके हैं बच्चे छोटे बच्चे एंगजाइटी का शिकार हैं डिप्रेशन जो है वो यंगस्टर्स में आपको आम दिखता है ठीक है जी मूड स्विंग्स आपको बच्चों में यंगस्टर्स में आम दिखती हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज सेक्रेटरी के इश्यूज आपको कॉमन दिखते हैं बड़े उम्र के लोग आप देखिएगा हम कहते रहे जी एक ख़ास उम्र पे आके लोगों को नाउमीदियाँ डिप्रेशन होता है आम मिलेगा आपको लोग जो हैं उनके चेहरों पर गौर से देखेंगे शदीद नाउमीदियाँ आपको दिखेगी आ, ये गैजट्स ने दुनिया की टेक्नोलॉजी ने और जो आने वाली शिफ्ट है इसने बहुत से असरा छोड़े हैं नफसा नफसी पैदा कर दी है अनसर्टेनिटी इन्फॉमेशन की इंतहा है अनसर्टेनिटी की भी इंतहा है इन्फॉर्मेशन की इंतहा है कॉन्सपरेंसीज की भी इंतहा है सच को ढूंढना पड़ता है झूठ की मकदार नॉलेज की मकदार इतनी ज़्यादा है कि इसमें से कहीं तलाश करना पड़ता है सच कहाँ पर बहुत ट्रेंड है कि किसी की भी कोड किसी के भी नाम से मन करके आप वायरल कर देते हैं जी आप, आप जितने आप जिस लेवल के हैं। फेमस हैं ना उस लेवल का चैलेंज है ये भी इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ जो जितने लेवल पर फेमस है उतना बड़ा चैलेंज उसके लिए अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए और बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आपके ख्याल में एजुकेशन को और क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने में कितना रोल है बहुत बड़ा रोल है जी देखें ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि लोग घर बैठ के डिस्टेंट लर्निंग दूर से सीख सकते हैं और कितना कंटेंट और कितना नॉलेज मैंने खुद कई दफ़ा फॉलो किया जी ऐसा ऐसा ज़बरदस्त लेक्चर ऐसे ऐसे ज़बरदस्त सीरीज़ रिकॉर्डेड पड़ी हुई इस पर जो शायद क्लास में उस मेर की पढ़ाई नहीं जा सकता और कितनी अच्छी एडिट हुई हुई कितनी अच्छी उनके ग्राफिक अफेक्ट्स हैं उसमें कितना अच्छा जो है वो चीज़ें कॉन्टेंट को ऐड किया गया है कितने कितने बड़े नाम हैं कई ऐसे नाम हैं जिनको मैंने फॉलो करना शुरू किया जिनकी हमने कभी किताबें पढ़ी थी जिनके बारे में हमने कभी जाना था वसन प्रोफेसर हुमैर थे आप जानते होंगे मैं कभी सिर्फ उनका नाम सुना एक दफ़ा मैंने वर्चुअल के किसी प्लेटफॉर्म पे उनके लेक्चर सुनने शुरू किए तो पता लगा कितना काम करके वर्चुअल ने रख दिया हुआ है और ये एक जो एक ई लाइब्रेरी और आपका सारा डाटा और सारा कॉन्टेंट मौजूद है ये एक काबिल तारीफ है और इसमें वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि वर्चुअल सिटी को तो हमेशा मैं अप्रीशियेट करूंगा कि इन्होंने हमेशा वेलकम किया है किसी भी तरह का जो फीडबैक है उसको सामने रखते हुए स्ट्रेटेजाइज किया सर लास्ट में आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहूंगी आपका इनपुट चाहिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्टाफ पूरी व्यव फैमिली के लिए आपको ये ऐसा मैसेज देना चाहे जो उनको वो आने वाली उनकी ज़िंदगी में बहुत हेल्पफुल हो देखिए जी किसी भी मिशन में ना अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए किसी भी काम में अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए जॉन ऑफ कैंडी के बारे में कहते हैं कि वो जो जा रहा था मिशन जा रहा था चांद पे उसको गाहे बगाहे देखते थे आके ना जी क्योंकि उनका ये ख्वाब था वो चाहते थे, थे कि इंसान चांद पे पहुंचे अमेरिका चांद पे पहुंचे तो एक दफ़ा वो आए और उन्होंने जो स्वीपर था वहाँ पर स्पाई वाला उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो उसने कहा जी मैं इस बड़े से मिशन का छोटा सा हिस्सा हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि ये जो सारा मिशन है इसमें मेरा भी कोई रोल है तो वो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और एक नई बात पता लगी किसी बड़े से मिशन का छोटा सा हिस्सा होना बहुत बड़ी बात होती है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो खैर के काम का हिस्सा हैं और उनके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं मेरी बेस्ट विशिज़ हैं बिलखसूस शुक्रिया डॉक्टर नदीम भट्टी साहब का मेरे वो सीनियर्स में से हैं उस्तादों में से हैं दोस्तों में से हैं कि उन्होंने इस पॉडकास्ट को मुमकिन बनाया और हमने रिकॉर्ड किया तो बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू थैंक्